हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की। इसमें हम देखेंगे किस में इन्वेस्ट करना बेहतर है। देखिए, आप सबको पता है गोल्ड हमारे देश में मिनिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। इंडियंस फिर भी गोल्ड की चाहत काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, तो इसलिए गोल्ड को इम्पोर्ट करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। आपको पता है जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है। इसलिए गोल्ड का इम्पोर्ट हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए और करेंसी के लिए अच्छा नहीं होता। फिर भी हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट, गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में। और हमारे साथ फिजिकल गोल्ड जब रहता है तो हमें एक ऐसा एहसास रहता है कि हाँ, इमरजेंसी के टाइम पे हम इसको बेच के पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक तो देश के लिए खतरा, करंट अकाउंट डेफिसिट, करेंसी के लिए दिक्कत, दूसरी बात प्रोडक्टिव असेट ये नहीं होता। क्रूड ऑयल जब हम इंपोर्ट करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट तो उससे बढ़ता है, लेकिन क्रूड ऑयल हमारी कई सेक्टर्स में काम आता है, लेकिन गोल्ड इस तरीके से काम नहीं आता। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से थेफ्ट की दिक्कत आती है, चोरी भी हो सकता है। आपके पास सोना है तो आपको सोने नहीं देगा वो, चोरी की दिक्कत, स्टोरेज की दिक्कत। दूसरी बात, इमरजेंसी में जब आप ज्वेलर के पास बेचने जाएंगे तो आपकी मजबूरी देख के हो सकता है वो उतनी प्राइस ना दे जितनी गोल्ड प्राइस की उस टाइम, गोल्ड की उस टाइम पे हो। तो इस तरह की चीज़ें फिजिकल गोल्ड में सामने आती हैं। इसको देखते हुए गोल्ड ETF निकल के आए, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेड फंड क्या होते हैं? बेसिकली फंड क्या होते हैं, आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इक्विटीज़, बॉन्ड्स, इन सब का जो एक मिक्सचर होता है, एक फंड होता है, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड के जरिए। ऐसे गोल्ड ETF होता है। आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। होगा क्या, मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ। आप एक इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे एक कंपनी है, आपने क्या किया, अब ये गोल्ड ETF चलाती है कंपनी, आपने इनको पैसा दिया, मान लो आपने 1 ग्राम के लिए इनको पैसा दे दिया, 1 ग्राम सोने के लिए। कंपनी इस पैसे से गोल्ड लेके आएगी और गोल्ड अपने पास रख लेगी। फिजिकल गोल्ड की दिक्कत गई, आपको सोना आपके पास नहीं रहेगा, आपका सोना, आपको केवल इनको पैसे देने हैं, ये उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे और आपके बिहाफ पे सोना रख लेंगे। आपको जब भी चाहिए होगा तो आप ये इनसे ले सकते हैं, जो प्राइस पे मिलेगा, जो भी प्राइस रहेगी गोल्ड की उस टाइम पे। यही नहीं, आपके पास जो भी सिक्योरिटी पेपर रहेगा, भाई आपने इनको पैसे दिए तो कुछ तो प्रूफ आपको देंगे ना, ये कि आपने इनको पैसे दिए या फिर इनके पास जो सोना है वो आपका है। तो जो प्रूफ होगा, जो सिक्योरिटी पेपर होगा, उसको आप किसी और को भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको बेचेंगे तो ये सोना आप किसका हो जाएगा, सीधा इनका हो जाएगा, ठीक है, सीधा इनका हो जाएगा। तो चाहो तो आप वापस इनको ले लो, फंड को जो आपने इन्वेस्ट किया है, वापस पैसा ले सकते हो। अब आप पैसा वापस दोगे तो आप जो ये पैसा वापस लोगे तो जो बॉन्ड आप, जो आपने सिक्योरिटी पेपर लिया था, वो आप देना पड़ेगा, और इनको अगर बेचते हो तो आपको इनको देना पड़ेगा। समझे बात को? तो आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो, पूरी तरीके से लिक्विड है, चाहे तो वापस बेच दो या किसी और को बेच सकते हो। जो इमरजेंसी में ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में हमेशा कर सकते हो, ज्वेलर के सामने आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बैकवर्ड एरियाज़ में जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स के सामने मजबूरन परेशान होकर सस्ते दाम में सोना बेच देते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्वेस्ट हम गोल्ड में कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और पैसा भी कभी भी निकाल सकते हैं, प्योरिटी की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पैसा, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, और जो आपको पैसा वापस मिलेगा वो उतनी प्राइस रहेगी जितनी गोल्ड की करंट प्राइस रहेगी। तो प्योरिटी की दिक्कत नहीं, फिजिकल गोल्ड की दिक्कत नहीं, और 24 घंटे जब भी स्टॉक मार्केट रहेगा ऑन, आप आराम से उसमें इन्वेस्ट, आराम से उसको ट्रेड कर सकते हो जब भी स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है, पहली बात तो ये कंपनी जो है कुछ तो पैसा लेगी ना, इतना सब कुछ करने के लिए, आपके बिहाफ पे सोना रखने के लिए, फिर प्राइस बढ़ेगी तो आपको लौटाएगी। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, आपके
पास से एक कमीशन चार्ज करेगी, ठीक है, आपसे कमीशन चार्ज करेगी, और ये जो कमीशन होगा ये आपको कंपनी को देना पड़ेगा। दूसरी बात, आजकल बैंकिंग स्कैम इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं और बैंक डूब भी रहे हैं, तो बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, चलो वो छोड़ो, अर्बन एरियाज़ में भी ट्रस्ट नहीं करते हैं लोग ऐसी चीज़ों पे। भाई एक हाथ में फिजिकल गोल्ड हो, एक हाथ में आपके गोल्ड ETF दे दूँ मैं और बोलूँ कि दोनों बराबर है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं गाँव में, जो लोग होते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में, वो इस चीज़ को कम ही सिक्योर मानेंगे, तो ये लोग गोल्ड ETF में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और शहरों में भी मोस्टली लोग अभी इसको अट्रैक्टिव नहीं मानते, तो गोल्ड ETF अभी भी गोल्ड के इम्पोर्ट को कम नहीं कर पाया है। हालांकि बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे फंड 15 अलग अलग तरह के जो ETFs खुल गए हैं और करोड़ों रुपए अब इन्वेस्ट हो रहे हैं इसमें, लेकिन एक तो ट्रस्ट की दिक्कत है, दूसरा कमीशन चार्जेस की दिक्कत है, लेकिन फ़ायदे बहुत है। कभी भी स्टॉक मार्केट खुले बेच सकते हो आप, इमरजेंसी में कभी पैसा आ सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, सोना चोरी होएगा इसकी भी कोई आफत आपको नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी पे ट्रस्ट नहीं रहता, स्टॉक मार्केट पे आजकल लोग ट्रस्ट कम करते हैं और जल्दी से विश्वास भी नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये आज भी लोग जो है इसमें कम ही विश्वास करते हैं। इसको देखते हुए RBI ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आई। RBI ने क्या कहा, बॉन्ड क्या होते हैं समझो, मैंने आपसे पैसा लिया, आप बोलोगे कि पैसा तो मैं दे दूंगा, बदले में मुझे कुछ प्रूफ तो दो, कोलेटरल, कुछ सिक्योरिटी कि मैंने आपसे पैसा लिया है, तो मैं कहूँगा ठीक है आप ये बॉन्ड ले लो। बॉन्ड क्या होता है, साइन करके मैंने पेपर दे दिया, हाँ मैंने इस आदमी से पैसा लिया था, इतने साल बाद मैं उसको इतना पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा, उस साइन करके मैंने पेपर उसको दे दिया, वो बॉन्ड हो गया। बॉन्ड होता ही है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने उसको बॉन्ड दे दिया, मैंने उससे पैसे ले लिए, अब जब मैं उसको वापस इंटरेस्ट लौटाऊंगा तो मुझे बॉन्ड वापस दे देगा, तो बॉन्ड एक प्रूफ हो गया। RBI क्या करता है, RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके, सॉवरेन मतलब सुप्रीम, सॉवरेन मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कभी इंसॉल्वेंट नहीं होती, जो कभी डिफॉल्ट नहीं होती, जो कभी बर्बाद नहीं हो सकती, भारत सरकार सॉवरेन है, दुनिया में जितनी भी सरकारें सॉवरेन है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मैंने क्या बताया, लोग जल्दी से गोल्ड ETF पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होता है और कौन कौन सी कंपनियां है पता नहीं है लोगों को, लेकिन भारत सरकार पर तो सबको भरोसा रहता है ना, RBI पर तो सबको भरोसा रहता है ना, तो भारत सरकार RBI को कहती है कि आप मेरे बिहाफ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कर दो। RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कर देती है। बॉन्ड जैसे मैं हूँ, मैं जाऊँगा RBI के पास, बॉन्ड ले लूँगा और बॉन्ड की कीमत इतनी रहेगी जितनी गोल्ड की कीमत होती है, और RBI को मैं पैसा दे दूँगा। अब RBI ने क्या बोला, लोहा लोहे को कैसे काटता है वैसे लालच लालच को काटेगा। आप लोग ETF की तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि ट्रस्ट इशूज़ था, लेकिन आप मेरी तरफ तो आएंगे क्यों, क्योंकि मैं सॉवरेन हूँ, RBI सॉवरेन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन है। दूसरी बात, हम आपको 2.5% इंटरेस्ट देंगे, आप गोल्ड खरीदोगे फिजिकल गोल्ड तो आपको जो कीमत गोल्ड में कीमत है, जो गोल्ड की कीमत चल रही है मार्केट में वही मिलेगी, ETF में भी आपको वही कीमत मिलेगी जो गोल्ड की चल रही है, भले ही आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना हो, लेकिन इसके अंदर वही कीमत तो आपको मिलेगी जो गोल्ड की चल रही है, बदले में आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट 6-6 महीने में देता रहूँगा। एनुअल इंटरेस्ट 2.5% का, लेकिन सेमी एनुअली पेड होगा नॉमिनल वैल्यू पे, जो भी रेट चल रही होगी ना गोल्ड की, तो प्राइस घट भी जाए ना, फिजिकल गोल्ड में प्राइस घट सकती है नुकसान, ETF में प्राइस घट सकती है नुकसान, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के मामले में प्राइस घट भी जाए तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जितनी कीमत रहेगी उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 2.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट, भले ही आपको 2.5% कम लग रहा हो लेकिन बाकी उससे तो बेहतर है, और ट्रस्ट इशूज़ नहीं है क्योंकि भारत सरकार तो वैसे भी, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्टॉक मार्केट के जरिए, पेमेंट बैंक के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, यहाँ पे जो भारत सरकार है RBI है वो इशू करेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड्स RBI, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट ऑफिसेज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके जरिए बेचेगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक नहीं बेचेंगे ये, ध्यान रखना। सॉवरेन बॉन्ड तो बहुत पहले ले आई थी RBI 2015 में 2016 में लेके आई थी, लेकिन इस बार नई स्कीम लेके आई है 2021 में, इसमें एलिजिबिलिटी भी अलग होती है, ठीक है। तो स्कीम अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जब भी ऐसी स्कीम्स आए ना तो फैक्ट्स पे कम विश्वास कीजिए, फैक्ट्स को कम रटने में ध्यान दीजिए, और ये देखिए कि इशू कौन कर रहा है, पैसा कितना है और पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जैसे मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ये कौन कौन खरीद सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, रेसिडेंट इंडियन एंटिटीज़ जो होती हैं वो खरीद सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ खरीद सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं, मिनिमम आप 1 ग्राम खरीद लीजिए और मैक्सिमम आपके लिए 4 kg है इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए 4 kg है मैक्सिमम और ट्रस्ट के लिए 20 kg है, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉन्ड्स की खासियत है कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आप दूसरी चीज़ इसको ट्रेड भी कर सकते हो, जो आपके स्टॉक मार्केट होते हैं ना मैं आप ट्रेड भी कर सकते हो, जैसे आप ETF को करते हो ना इसको भी कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये मैक्सिमम
8 साल के लिए, 5 साल के लिए आपका पैसा इसमें लॉक हो जाएगा, ये मैंने आपको नहीं बताया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में RBI अगर 2.5% इंटरेस्ट दे रहा है तो RBI इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि यूं ही आपको पैसा देगा, कुछ तो यहाँ पे फ़ायदा देखेगा ना, तो आपको 5 साल के लिए पैसा रोक लेगा आपका, वो 5 साल बाद ही आपको इंटरेस्ट, 5 साल बाद ही आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिल पाएगा। इंटरेस्ट आपको मिलेगा लेकिन प्रिंसिपल आपको 5 साल बाद मिलेगा, मैक्सिमम 8 साल तक का है मैक्सिमम, 5 साल बाद आप ले सकते हो, पैसों को निकालना शुरू कर सकते हो, 5 साल तक आपको इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, 5 साल तक आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आपका पैसा यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन इन बॉन्ड्स को आप कोलेटरल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको लोन लेना है बैंक से तो इन बॉन्ड को आप कोलेटरल के रूप में जमा कर सकते हो। 5 साल का आपको याद रखना है कि यहाँ पे मिनिमम पीरियड है लॉक इन, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप ट्रेड तो कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने कहा कि किसी दूसरे इन्वेस्टर को भी बेच सकते हो आप, बदले में वो आपको पैसा दे देगा, लेकिन नहीं मिला तो, नहीं मिला तो क्या कर लोगे। दूसरी बात, ट्रेड वैल्यूम इतना हाई नहीं रहता ना, तो इन्वेस्टर मिलने में दिक्कत आती है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक तो ये खास बात है कि 5 साल तक आपका पीरियड लॉक हो जाएगा, लेकिन कितने बेनिफिट्स दे रहे हो आप देखो तो सही, कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरेस्ट दे रहा है आपको, आप ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 ग्राम आपको यहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा गोल्ड। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है इन तीनों के बीच में जो मैंने बताया है, एक बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा। देखो, फिजिकल गोल्ड की कोई लिमिट नहीं है, फिजिकल गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम कितना भी कर लो, हालांकि चोरी चकारी का डर रहता है, और आपको रिटर्न मिलेगा तो जो गोल्ड की कीमत होती है उससे कम मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि मजबूरी में ज्वेलर आपसे कम ही पैसा देगा आपको, और जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी गोल्ड की तो आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। इसको अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने कैपिटल ली तो आपकी गोल्ड, आपने लॉन्ग टर्म में उसको बेचा तो आपको उस पर टैक्स भी लगेगा, उस पर जो गेन होगा उस पर आपको छूट भी मिलेगी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपके लिए है इसमें अवेलेबल, कोलेटरल के तौर पे भी गोल्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, फिजिकल गोल्ड को तो कोलेटरल के तौर पे इस्तेमाल कर ही सकते हो ना यार, इसलिए तो गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा है। लॉक इन पीरियड नहीं, आज खरीद लो कल बेच दो, फिजिकल गोल्ड आपका है, आपकी मर्जी जैसा कर लो, लिक्विडिटी कंडीशनल है, हर तरह से ये काम नहीं आएगा, हर जगह नहीं चल जाएगा, ठीक है। प्योरिटी की बात करें, देखो पूरा नहीं आया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया दूसरी स्लाइड में इसको पूरा, प्योरिटी की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ज्वेलर जो है आपको प्योर ही दे, आपको देखना आना चाहिए। स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड ETF की, तो गोल्ड ETF मैंने क्या बोला कि मिनिमम 1 ग्राम आपको यहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जबकि सॉवरेन गोल्ड में मिनिमम 1 ग्राम है और मैक्सिमम 4 kg इंडिविजुअल के लिए, 4 kg है, ट्रस्ट के लिए 20 kg है और HUF के लिए हिंदू यूनाइटेड फैमिली 4 kg, ठीक है। सेफ है गोल्ड ETF, सेफ तो ये भी है ना, दोनों सेफ है। इस पर जो रिटर्न है वो कम मिलता है ETF पे, थोड़ा सा कम मिलता है, इतना कम नहीं मिलता, फ्लक्चुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत कम मिलता है, लेकिन प्योरिटी उतनी रहती है और एक्चुअल रिटर्न से थोड़ा कम ही मिलता है, ठीक है। लेकिन जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसमें आपको इंटरेस्ट तक दे रहे हैं लोग, तो गोल्ड की जो कीमत है उससे 2.5% ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है जितनी कीमत है, ठीक है। और कोलेटरल के तौर पे आप फिजिकल गोल्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, ETF को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, RBI ने कह रखा है। तो ये जो है, ये मतलब सॉवरेन जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ना, इसने इसकी कमी को पूरी कर दी और फिजिकल गोल्ड की कमी को पूरी कर दी, सारी कमियाँ इसने पूरी कर दी। हालांकि बस एक चीज़ यहाँ पे है कि मिनिमम 5 साल आपको ये इसको रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, फटाफट RBI आपको निकाल के नहीं देगी, साथ ही साथ इसको एक्सचेंज में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद रिडीम कर सकते हो, 5 साल के बाद आप इसको जो है पूरा पैसा निकाल सकते हो इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले आप ट्रेड भी कर सकते हो एक्सचेंज पे, लेकिन इन्वेस्टर नहीं मिले वो आपकी दिक्कत, ठीक है। प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी तो फिजिकल गोल्ड में तो आपको पता है दिक्कत रहती है, क्या पता कैसा जो है, कैसे ज्वेलर कैसी ज्वेलरी दे, कैसा सोना दे दे, इसमें प्योरिटी हाई रहती है ETF में, क्योंकि जो कंपनी है वो गोल्ड प्योर ही खरीदेगी, तभी तो उसकी प्राइस लिंक होगी। और प्योरिटी से आपको मतलब क्या है, अगर प्राइस आपको गोल्ड को मिल रही है, गोल्ड की प्राइस आपको मिल रही है, तो प्योरिटी का क्या घोड़ लोगे। दूसरी बात, सॉवरेन गोल्ड में भी प्योरिटी बहुत हाई रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, आप समझ नहीं रहे हो, कंपनी प्योर गोल्ड ही तो खरीदेगी आपके लिए, ETF में जो कंपनी आपके लिए गोल्ड खरीद रही है प्योरिटी तो खरीदेगी, तभी तो आपको उतना पैसा देगी जितनी प्योर गोल्ड की कीमत होती है। स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है फिजिकल में, लेकिन इसमें नहीं होती और इसमें तो बहुत कम होती है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। हालांकि कॉस्ट यहाँ पे इसमें थोड़ी ज़्यादा होती, किस चीज़ की, कमीशन की,
आर इस मामले में कोई कमीशन नहीं है, बोल्ड स्की ये जो बॉन्ड स्कीम है इसके मामले में कोई कमीशन नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है। लेकिन जो ETF है, ETF शेयर्स की तरह है यार, स्टॉक मार्केट में जैसे आप ट्रेड करते हो ना तो ब्रोकर चार्ज लेता है, यहाँ पे ब्रोकर लगेगा। फिजिकल गोल्ड में कोई ब्रोकर नहीं है, सीधे दुकान पे जाके सीधे लिया, इसमें कोई ब्रोकर नहीं है, सीधे आप बैंक में जाओ और RBI ने जो इशू किया है वो लेके आ जाओ, जो भी RBI ने बैंक एलिजिबल कर रखे हैं ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वगैरह, ये सब आप जो है वहाँ से ला सकते हो। ठीक है, तो एक बार इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लेना, ध्यान रखना चीज़ें समझ में आ गई हो तो। बाकी ये है कि ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कर रहे हो तो ये सब आपके काम की है। डेकोरेशन के लिए आपको चाहिए तो बॉन्ड तो आपको दे नहीं सकते पहनने के लिए कि सजा लो बॉन्ड को गले में। ठीक है, तो ये है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सब जो है सही है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहीं ना कहीं इम्पोर्ट को रोकने में मदद कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो है, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।